जी दोस्तों, आप BRC20 के बारे में बार बार हर जगह पे देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, इंस्क्रिप्शंस की बात आप पढ़ रहे होंगे, ऑर्डिनल्स क्या चीज़ है ये भी आपको शायद अभी तक भी डाउट होगा कि एक्चुअल में है क्या चीज़, क्या इनमें पैसा लगाने का फायदा है या नहीं, क्या इनका कोई यूज़ केस है या नहीं। क्योंकि जब अगर हम मीम कॉइंस की बात करें तो उनमें यूज़ केस नहीं होता, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे AI का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में और इसी के साथ BRC20 ट्रेंडिंग में। तो अगर हम ट्रेंड को सही टाइम पे फॉलो नहीं करते तो देन ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे, या फिर ऑलरेडी हम रह भी चुके हैं। लेकिन अभी भी बिल्कुल सही समय, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से BRC20 वाले जो टोकन सबसे पहले ले पाओगे। क्योंकि अब थोड़ा ट्रेंड इस तरीके का चल पड़ा है कि पहले क्या था कि मीम कॉइन्स आ रहे थे, फॉर एग्जांपल सोलाना के बेसिस पर मीम कॉइन आया बॉन्क के नाम से, वैसे ही अभी BRC20 टोकन आ रहे हैं बड़े प्रोजेक्ट्स के द्वारा, जो मैं आपके साथ यहां इस वीडियो में शेयर करूंगा। और कौन कौन से कॉइन्स अभी आपको लेने चाहिए ये भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूं। अगर आप किसी भी कॉइन के बारे में या किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, या फिर कोई भी आपका डाउट है, कोई परेशानी आ रही है क्रिप्टो को लेकर, तो हमारे ग्रुप के ऊपर आ जाओ, वॉल्फ ट्रेड डिस्कस के नाम से ग्रुप है, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी। तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि इंस्क्रिप्शन क्या चीज़ है। तो इंस्क्रिप्शन की आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ पढ़ने को दिख रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ सिंपल भाषा में, आसान भाषा में बता दूं कि पहले तो BRC20 का मतलब है बिटकॉइन रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। तो ये एक नई एक्सपेरिमेंटल टोकन स्टैंडर्ड बनाया गया, जिसको हम चेन भी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर क्या है कि फंजिबल टोकन्स को इशू एंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक बात समझो कि अभी तक क्या था कि BTC के ऊपर या फिर बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर NFTs पॉसिबल नहीं थे, ये पॉसिबल हुए इथेरियम ब्लॉकचेन के द्वारा। इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी आए, तो जितनी पुरानी ब्लॉकचेन होती है, चाहे वो इथेरियम की ब्लॉकचेन हो, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन हो, तो उतने ही उसमें ड्रॉबैक्स होते हैं, यानी कि उसमें कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा कम होती हैं। वही अगर हम लेटेस्ट ब्लॉकचेन की बात करें, फॉर एग्जांपल सोलाना है, या फिर अगर हम कार्डानो ब्लॉकचेन की बात करते हैं, इवन पॉलीगॉन ब्लॉकचेन की बात करते हैं, तो उसको हर जगह पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर उसकी कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा रहती हैं। जब वो NFT की बात करें, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, डैप बिल्ड करना है, उसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके का चलाना है, तो हर एक चीज़ उसके ऊपर चल जाएगी। और ऐसे ही आप देख पा रहे हो कि इवन मीम कॉइंस के द्वारा अगर शिबेरियम की बात करें, तो शिबेरियम के ऊपर भी काफ़ी कुछ हो सकता है। सिमिलरली अभी बिटकॉइन के ऊपर एक नया स्टैंडर्ड लाया गया, जो कि एक्सपेरिमेंटल स्टैंडर्ड है बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर, BRC20। तो इसके द्वारा क्या होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी आप वीडियो को, इमेज को, ऑडियो को, उनको डिजिटल एसेट्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे इशू कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप एक बार इसके ऊपर कोई भी डेटा डाल देते हैं, तो वो यहाँ हमेशा के लिए रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डेटा पड़ा है हमारे कंप्यूटर में, हमारे पेन ड्राइव में, कहीं पे भी पड़ा है, तो उसके खोने के चांसेस हमेशा रहते हैं। लेकिन अगर ब्लॉकचेन, बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी डेटा आ जाता है, अगर वो फंजिबल टोकन्स के रूप में अगर यहाँ पे पहुँच जाता है, डिजिटल एसेट बन जाता है, तो वो हमेशा वहाँ पे हमेशा के लिए रहेगा, वेरीफाइबल भी रहेगा कि पहले किसका था, फिर किसको सेंड किया गया, कौन इसका ओनर है, हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर दिखने वाली है। यही कारण है कि आपने एक ऑर्डी के नाम से कॉइन देखा होगा कि जिसकी वैल्यू $50 से ऊपर भी पहुँची है, लगभग $70 तक भी पहुँची है। और बड़ी बात ये भी कि सारी की सारी एक्सचेंजेस ने इसको सपोर्ट भी किया, इसको लिस्ट भी किया, चाहे वो बाइनेंस हो, गेट हो, बायबिट, STX, क्यूकॉइन, हर एक बड़ी से बड़ी एक्सचेंज ने इसको लिस्ट किया। अगर आप इसके यूज़ के इसके ऊपर जाओगे, तो यहाँ इनके पास कोई इतना कोई खास डिस्क्रिप्शन नहीं है, इनकी कोई खास वेबसाइट भी नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड स्टार्ट होने का, जैसे कि बिटकॉइन का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ब्लॉकचेन का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग वाले जो कॉइन्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो इतना काम नहीं आते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स और कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स जो अभी आप बाय कर लेते हो तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलने वाला है, और जो प्रोजेक्ट्स अभी आने हैं वो कैसे आपको सबसे पहले मिलने वाले, तो वो भी आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो। तो यहाँ पर अगर आप चलोगे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग में कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे AI एंड बिग डेटा और BRC20 वही आपको जो समझाया है। तो BRC20 में यहाँ पे आपको सारे कॉइन्स दिख जाएंगे, लेकिन 1000 के नीचे वाली जो रैंक वाले हैं वो बहुत कम है, जैसे कि सेट्स हैं जो कि 1000 सेट्स हैं, इसने बहुत बड़े प्रॉफिट्स दिए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। यही कारण है कि इसका अभी 48th रैंक चल रहा है, इसका मार्केट कैप $1.4 बिलियन का चल रहा है। इवन 24 आवर्स का वॉल्यूम देखें तो $183 मिलियन का इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है अभी, इतना ज़्यादा चल रहा है। ऑडी टोकन जिसकी 57 के आसपास रैंक है, इसकी वैल्यू $53 के आसपास चल रही है। इसके बाद के कॉइन्स की बात करें तो यहाँ पे मल्टीबेटा जिसमें म्यू भी आता है, तो 250 के आसपास इसका रैंक पहुँच जाता है। उसके बाद OxBT है, तो इसका रैंक 750 तक पहुँच जाता है। इसके बाद वाले सारे 2000 से लेकर 3000, 4000 की रैंक के आसपास हैं।
यानी कि इतने सारे कॉइंस हैं लेकिन बहुत कम ऐसे कॉइंस हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं टाइम पे या फिर जिनका यूज केस भी हो। लेकिन अभी क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेंड थोड़ा ऐसा रहा है, आपने देखा होगा कि मीम कॉइन जैसे कि पेपे कॉइन है, वो भी BRC20 टोकन था और उसमें इतना बड़ा आपने प्रॉफिट दिखा, इतना ज्यादा प्रॉफिट सभी को दिया। फिर उसके बाद मीम लैंड का मीम टोकन आया, उसने इतना बड़ा प्रॉफिट दिया। तो यहाँ पे BRC20 टोकन लगातार प्रॉफिट दे रहे हैं, तो ट्रेंड के साथ अगर हम चलेंगे तो प्रॉफिट बुक करके आगे बढ़ेंगे, नए ट्रेंड में पहुंचेंगे। सिमिलरली अभी ट्रेंड बिल्कुल नया है तो आप इसको प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज करो। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि अभी जो बेटर टोकन मुझे लग रहे हैं उनमें कौन कौन से हैं। एक तो ये म्यूबी आ गया जिसकी वैल्यू $0.31 के आसपास चल रही है, क्योंकि इसका अभी तक जो ऑल टाइम हाई है वो भी इतना ऊपर नहीं गया, क्योंकि अभी इसको सिर्फ एक महीना हुआ है और मेजर एक्सचेंजेस के ऊपर ये ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये अभी बाइनेंस के ऊपर आएगा, हो सकता है कि बाइनेंस के ऊपर लॉन्च पूल भी आ जाए, जिस कारण मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बाइनेंस से थोड़ी ज्यादा बन रही है। तो म्यूबी कॉइन आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये हमारा पहला कॉइन हो गया। दूसरा कॉइन जो है 1000 सेट्स के नाम से, तो इसको सैट्स भी कहा जाता है, एक्चुअल में ये सतोशी का शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि सतोशी का सैट्स। तो इसको भी यहाँ पे ऑर्डिनल्स लिखा हुआ है, तो इसमें भी बाइनेंस की लिस्टिंग ना होने की वजह से मेरी इससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। और वैसे भी इसकी वैल्यू में 0 से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि जनरली एक मीम कॉइन की तरह होती है। तो यहाँ पे लगभग 5-6 जीरोस हैं। और बड़ी चीज़ ये भी है कि मीम कॉइन तो है ही है, यहाँ पे इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है, अबाउट में भी लिखा हुआ है कि ये एक मीम टोकन है, इसका कोई बहुत बड़ा कोई यूज़ केस नहीं है। तीसरा हमारा जो टोकन है वो BRC20 के नाम से, ये BRC20.com के नाम से, इवन .com इनका जो टिकर है जिसको हम कॉम के नाम से हर जगह पे देख पाएंगे। सो वंस अगेन ये भी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर बहुत कम है, सिर्फ MEXC के ऊपर है, बिटकेट के ऊपर है एंड OKX के ऊपर है। तो यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये टोकन लिस्ट हो सकता है बाइनेंस जैसी और भी एक्सचेंजेस के ऊपर। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ बाइनेंस की बात नहीं कर रहा, इवन क्यूकॉइन की बात करें, गेट की बात करें, तो काफ़ी सारे एक्सचेंजेस भी पेंडिंग हैं, इवन जो हमारे इंडिया के एक्सचेंजेस हैं। ऐसे अगर ये लोकल कंट्री के एक्सचेंजेस के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा तो इसमें मेजर पंप हमें देखने को मिल सकता है। और इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि इसकी जो टोटल सप्लाई है ये 21 मिलियन की है, तो इन्होंने BTC की सप्लाई के हिसाब से अपनी सप्लाई इतनी कम रखी है। दैट्स अ रीज़न कि मुझे BRC20 से थोड़ी उम्मीद ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पे इन्होंने एक डैशबोर्ड बनाया जिसमें टूल्स बनाए गए हैं ताकि वो BRC20 सिस्टम के ऊपर ग्रो कर पाएं, उसके ऊपर कोई अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कर पाएं। तो यही कारण है कि ये हमारा थर्ड प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे थोड़ी ज़्यादा उम्मीद लग रही है। अब हमारा फोर्थ प्रोजेक्ट है RDEX के नाम से, रीडेक्स के नाम से है, इसमें 100 मिलियन की सप्लाई है। तो टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई एंड जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो यहाँ पूरी की पूरी बाहर ही है, यानी कि जितनी सप्लाई है वो बाहर इन्होंने सर्कुलेट करी हुई है। वंस अगेन बहुत लिमिटेड एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है, करंट इसकी वैल्यू चल रही है $0.63 के आसपास। अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखते हैं तो ये लगभग 0.78 के आसपास की है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक डॉलर भी अभी क्रॉस किया है। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा है कि ये ऑर्डिनल्स के ऊपर काम करता है, इसीलिए इनकी कोई मेन वेबसाइट या सोशल मीडिया भी इतना नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं इनको सिर्फ मीम कॉइन की तरह कंसीडर करके, जैसे कि कोई भी मीम कॉइन की अगर कम्युनिटी ज़्यादा हो जाती है, वॉल्यूम मार्केट में ज़्यादा हो जाती है, तो उसको लिस्ट किया जाता है, उसके हिसाब से मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। अब हम जो पाँचवें कॉइन की बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे एक तो मेरा ऑप्शन ये है कि वो आने वाला कॉइन है जो मैं आपको अभी सजेस्ट करूँगा, और एक उसकी जगह ये भी है कि ऑर्डी कॉइन को भी आप कंसीडर यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी $69 तक पहले भी पहुँची हुई है और ये सितंबर महीने में आया था जिसकी ऑल टाइम लो वैल्यू भी लगभग $2.8 के आसपास थी, और ऑल टाइम हाई इसका जो आया था वो आज से 15 दिन पहले हुआ था, ऑलमोस्ट $69 के आसपास। एंड वंस अगेन यहाँ पे इनकी वेबसाइट भी नहीं है, तो इसकी जो अपडेट्स हैं वो हमें डेली मिलती रहती हैं, यही एक बड़ा कारण है। तो ऑर्डी की जो लिस्टिंग्स हैं ऑलमोस्ट बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर हो चुकी हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लोकल एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर भी लिस्ट होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि कॉइन DCX जैसी एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड है। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे बड़ी चीज़ कि ये कॉइन्स पहले कहां पे आते हैं। जो जितने भी BRC20 टोकन्स हैं या मीम टोकन्स हैं, मीम टोकन से आपको एक चीज़ याद आ रही होगी कि ये आते हैं बिटमार्ट के ऊपर। सिमिलरली जो बिटमार्ट है, इन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि इन्होंने ऊपर ही यहाँ पे अगर आप एक्सचेंज खोलोगे ऊपर इन्होंने लिख दिया बिटमार्ट लॉन्चेस इंस्क्रिप्शंस मार्केट। अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, लूंगा सिर्फ आधा मिनट ही, लेकिन प्लीज़ अगर आपने अभी तक बिटमार्ट नहीं इंस्टॉल किया है तो नीचे लिंक आपको मिलेगा, उसके ऊपर साइन अप कीजिए, अपना UID कमेंट्स में लिखिए, मैं यहाँ पे एयरड्रॉप लेकर आया हूँ, एयरड्रॉप्स भी आपको देने वाला हूँ जो कि लगभग $5 से लेकर $10 तक का एयरड्रॉप हो सकता है पर पर्सन। और इसी के साथ बिटमार्ट के ऊपर कोई भी कॉइन आता है उसके आने से पहले पहले आपको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी बताने वाला हूँ, जो है वॉफ्ट डिस्कस एंड वॉफ्ट ऑफिशियल के नाम से हमारा ग्रुप एंड चैनल है, वहाँ पे आपको पहले अपडेट मिलने वाली है। तो बिटमार्ट के ऊपर साइन अप जरूर करें। एंड बड़ा रीज़न क्या है वो भी आपको बता देता हूँ कि इंस्क्रिप्शंस मार्केट इन्होंने लॉन्च करी है, तो यहाँ पे कॉइन आने से पहले ही बता दिया जाता है कि यहाँ पे कॉइन आएगा, आप इसमें डिपॉजिट करोगे, ट्रेड करोगे, अपना प्रॉफिट बनाओ और विड्रॉ करो।
अब यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मार्केट्स में देखोगे यहाँ पे लगभग सारे कॉइन्स हैं, रेड्स BRC20 है, सोलस्क्रिप्शन है, यहाँ पे ऑर्डिनल्स, मल्टीबिट जो हम अभी बात कर चुके हैं, BTCS है, माइस है, तो काफ़ी सारे कॉइन्स हैं जो टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स हैं वो तो यहाँ पे हैं ही हैं, लेकिन जो नए कॉइन्स आते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। अब नए कॉइन्स से आपको एक बड़ी चीज़ जो बताने वाला हूँ वो है कि एवलांच बेस्ड जो BRC20 टोकन्स हैं वो यहाँ सबसे पहले लिस्ट होने वाले हैं और उसकी खबर भी मैं आपको सबसे पहले दूंगा ताकि आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। बिटमार्ट के ऊपर पहले आएगा और उसके बाद बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर जाएगा जिससे आप सबसे बड़ा प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। एंड ये चीज़ अगर आपने बॉन्ग कॉइन में भी देखी होगी, सोलाना बेस्ड एक मीम कॉइन आया उसने इतना बड़ा प्रॉफिट दिया, सिमिलरली एवलांच बेस्ड यहाँ पे कुछ कॉइन्स आने वाले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही, इंस्क्रिप्शन क्या है इसका भी मैंने आपको बताया और टॉप 5 टोकन्स आपके साथ शेयर कर दिया और टॉप टोकन्स कहाँ से ढूंढने हैं लिस्ट होने से पहले कहाँ पे ढूंढने हैं तो अभी आपको बता दिया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।